हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग DSSB TGT मैथ्स मेल कैंडिडेट्स का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसका सोल्यूशन कर रहे थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अब तक 8 लेक्चर्स मैं इस पे अपलोड कर चुका हूँ। आप उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर DSSB 2018 मैथ्स का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि आगे जो आने वाला आपके एग्जाम है ना, इससे आप अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे जो कैंडिडेट है ना, बहुत सारे मेरे दोस्त जो है लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो है BSc का जो पोर्शन आता है DSSB में, उसका सोल्यूशन कोई नहीं बताता है, तो आप उसका सोल्यूशन बताइए। देखिए, उसके लिए आपको जो है ना, जो आपका जो TGT में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, एकदम फैक्ट बेसिस क्वेश्चन आते हैं। बसरते यह कि आपको वो सारे फैक्ट्स से आप फेमिलियर हों, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो। इसके लिए एक बार आपको डिटेल्ड, अगर आप जो BSc के लेवल की जो किताबें हैं, जो जो सिलेबस में चीजें हैं, अगर उसका डिटेल्ड में पढ़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चंस को आप टच कर सकते हैं। लगभग लगभग 20 क्वेश्चन TGT में, लगभग लगभग जो BSc का पोर्शन आता है, तो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं BSc के पोर्शन से। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी 9, 10, 11, 12 लेवल के होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को जो सही दिशा दीजिए, अभी भी काफी समय है जो है, आप अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएगा। और इस संबंध में हमारा जो आयुष्मान क्लासेस है, वो आपके कैसे हेल्प कर सकता है, उसके बारे में अगर आपको बताऊं, तो हम लोग जो है ना, देखिए दो तरीके के कोर्सेज इसमें चला रहे हैं। एक हमारा जो रेगुलर कोर्स है, एक हमारा रेगुलर कोर्स जिसकी वैधता 6 मंथ की होती है। जिसकी वैधता कितनी होती है? 6 मंथ की होती है। इसमें कंप्लीट कोर्स को पूरा ही डिटेल्ड वे में हम लोग पढ़ाते हैं, एकदम जो है बहुत ही थारोली पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम जो है इसमें आपको असाइनमेंट देते हैं, 100-100 क्वेश्चन का असाइनमेंट देते हैं, विद सोल्यूशन होता है। सबसे अच्छी बात है विद सोल्यूशन होता है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ इसका हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। जानते हैं आप, आज के डेट में टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे बराबर, तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसमें डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और इसको आप हमारे वेबसाइट से, जो लेक्चर्स होते हैं, आप हमारे वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है www.ayushmanclasses.com। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है, इसके बाद फी का पेमेंट करना होता है, उसके बाद आपका लेक्चर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो हम लोग कोर्स जो चला रहे हैं, क्रैश कोर्स, तो इसमें हम लोग क्या, इसमें भी चीजें सेम होती हैं, बस ये वीडियो लेक्चर्स जो है लिमिटेड होते हैं, मतलब एकदम टू द पॉइंट पढ़ाई जाती है। इसमें जो है असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज इसमें भी प्रोवाइड करवाया जाता है, और इसकी जो वैधता होती है 2 मंथ्स की होती है, ठीक है। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट पर सीधे जाइए, विजिट करिए और ज्वाइन कर लीजिए। या इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8128618579, इस पर भी आप जो व्हाट्सएप करके जो है आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा जो है 9, 10, 11, 12 से लेकर जो ग्रेजुएशन लेवल तक जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं, सबको बहुत डिटेल में कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है। आइए मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, अब तक 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करवा चुका हूँ, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर 4 सेट ऑफ वेक्टर्स ABCD इन RQ। आउट ऑफ दीज सेट ऑफ वेक्टर्स 1 सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन RQ, आइडेंटिफाई दिस लीनियरली डिपेंडेंट सेट। तो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो ये हमारा BSc लेवल का जो है क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर आपको ये सारे वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखिए, इसका अगर डिटेल में मेथड बताऊं, ये क्वेश्चन आप 30 सेकंड में बता देंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं, ताकि चीजें आप अच्छे से डिटेल में समझ जाएं। इस क्वेश्चन के अलावा भी कोई क्वेश्चन दे तो आप उसको आसानी से कर पाएं। इसका तरीका ये होता है कि इसमें आप जो है ना एक्स लगा के लिख दीजिए, एक्स टाइम्स कितना 1, 1, 3, और प्लस y टाइम्स कितना, y टाइम्स हो गया आपका 0, 2, 1, ठीक है, और प्लस z टाइम्स कितना 0, 0, 0, और इज इक्वल टू कितना पुट करिए 0, 0, 0। अब यहां से आप इक्वेशंस बनाइए, x पहला इक्वेशन x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू कितना 0, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन बनाइए x प्लस 2y, और यहां से z इंटू 0 कितना हो गया 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तीसरा इक्वेशन बनाए 3x प्लस y और 0z इज इक्वल टू कितना 0। यहां से हम इक्वेशंस बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो पूरी चीजों को लिख सकते हैं यहां से, जैसे x प्लस कितना था, यहां से x प्लस 0y प्लस 0z इज इक्वल टू 0, यहां से x प्लस 2y प्लस 0z इज इक्वल टू 0,
और यहाँ से 3x plus y और plus 0 z is equal to 0, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं। इसके बाद ये जो कोफिशियंट है यहाँ पे x y z की, उसके एक उसका एक डिटरमिनेंट हम बनाते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट में हम लिखते हैं 1 0 0 और यहाँ पे 1 2 0 1 2 0, ठीक है, और यहाँ से 1 1 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, इस डिटरमिनेंट आप ये को सॉल्व करेंगे। अगर डिटरमिनेंट देखिए, अब अगर डिटरमिनेंट आप ये हमारा जीरो हो गया, अगर हमारा डिटरमिनेंट आप ए कितना हो गया, जीरो हो गया, सपोज ये जीरो आ गया, इसका मतलब कि इस ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर इसका जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, इसका क्या मिलता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। और अगर अगर ये जीरो नहीं आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आया, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक्स x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to 0 ही एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to 0, सिर्फ इसका यही सॉल्यूशन मिलेगा, कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो मिल जाता है, उस समय हमारे जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब जीरो जीरो के अलावा जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी हमको मिलता है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे हो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से क्या हमारा मतलब है। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हमने लिखा x into something y is equal to, इसको इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा वेक्टर्स को, अगर हमारा x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to कितना मिल गया, 0 मिल गया, तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स है ये कैसा है, हमारा जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कितना है ये, क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और इसमें से एक भी अगर नॉन जीरो मिल गया, इफ एनी वन इज, सपोज x इज नॉन जीरो, ठीक है, और y कुछ भी मिल गया, जीरो मिल गया, जीरो मिल गया, तीनों नॉन जीरो मिल गया, तो कोई भी एक नॉन जीरो मिल गया, तो हम इसको कहते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब बात ये होगी, देखिए कब मिलता है, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए जब नॉन जीरो होगा तो क्या मिलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं आई तो कैसा होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो मिल गई, इसका मतलब ये हो गया हमारा वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो मिल गया तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब वो हमारा कैसा हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर इस यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट भी करें, देखिए कितना मिलने वाला है, सो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर कैलकुलेट करें तो 1 इंटू कितना मिल जाएगा, 1 इंटू छोड़ दिया इसको 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 इंटू क्या समथिंग 0 आएगा, प्लस 0 इंटू समथिंग कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा अगर 0 हो गया, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 0, इसका मतलब क्या मिलने वाला है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलने वाला है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर मिलने वाला है, इसका मतलब ये हमारा क्या, लीनियरली डिपेंडेंट है। और आपको ये पहचानना भी था कि कौन सा लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखिए इतना प्रोसेस इसमें नहीं लगाना, ये तो मैंने आपको डिटेल मेथड इसलिए बता दिया कि आप चार को चेक कर लीजिए, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपसे भविष्य में पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। देखिए इसका सीधा सा मैट्रिक बताता हूं, इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आप डेप्थ में पढ़े हैं लीनियर अलजेब्रा तो आपको ये थ्योरम मालूम होगा, एक थ्योरम भी बेस्ट क्वेश्चन है। थ्योरम क्या है, थ्योरम ये होता है कि अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में अगर एक वेक्टर जीरो वेक्टर होगा तो निश्चित रूप से वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बस यही इसकी ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे अगर चारों में देखें, किसी में जीरो वेक्टर नहीं है, किसी में जीरो वेक्टर समझ रहे ना, जीरो जीरो जीरो, आर क्यूब में जो जीरो वेक्टर होता है वो कैसा होगा, जीरो 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 होगा। तो सिर्फ एक ही सेट ऐसा है जिसमें क्या है, यहाँ पे जीरो वेक्टर है, ये निश्चित रूप से ये सेट क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। उसका रीजन भी मैं बता दूं आपको, देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है, जीरो इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सॉरी जीरो इंटू जो भी है ये 113, जीरो इंटू 113 प्लस जीरो इंटू क्या लिख सकते हैं, 021 और प्लस यहाँ पे यहाँ का कुछ भी नॉन जीरो नंबर भी ले सकते हैं, 4 टाइम्स क्या, 000, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 000 आएगा, ठीक है। ये देखिए अगर इसको आप सॉल्व करिए तो 0 into 1 0 0 into 0 0 4 into 0 0 तो 0 आ गया, 0 into, तो देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग देखिए लीनियरली डिपेंडेंट डेफिनेशन मैंने बताई कि अगर मुझे x इसके लीनियर कॉम्बिनेशन बना, x into a वेक्टर प्लस y into this वेक्टर प्लस z into this वेक्टर, इसको 0 0 0 के बराबर पुट करके सॉल्व करें, अगर हमारा x is equal, अगर हमारा x is equal to 0, y is equal to 0 और z is equal to 0 मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देखिए एक तो नॉन जीरो मिल ही रहा है हमको, कौन, 4 मिल रहा है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 एनीथिंग लिख सकते हैं,
जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ भी इस केस में हमको जो है जो ये अगर किसी सेट में अगर एक जीरो वेक्टर डाल दिया गया तो समझ लेना वो कैसा होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, अब थ्योरम को याद रखिएगा, ये कोई सेट ऑफ वेक्टर्स दिया गया है उसमें अगर एक जीरो वेक्टर है तो निश्चित रूप से वो जो सेट होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग एक्स बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए एक्स की पावर है, एक्स की पावर क्या है, लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ एक्स बेस 10 और फिर प्लस 1 और यहां पे क्या है ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन कितना 1000। तो देखिए दोनों तरफ अगर हम लॉग ले लें तो लॉग m की पावर n कितना होता है, n लॉग n होता है ना, तो ये n लॉग n हमारा आ जाएगा लॉग x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग x बेस 10 प्लस 1 हमारा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे थे x की पावर लॉग x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 लॉग x बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000। मैंने कहा कि ये पावर हटाने के लिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग m की पावर n बन जाएगा, तो n लॉग m हम लिखते हैं, मतलब ये पावर आगे आ जाएगा, मतलब लॉग x बेस 10 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लॉग ऑफ x बेस 10 और प्लस 1 ये आगे आ जाएगा, ये हो गया n, और लॉग m का मतलब लॉग x लिखना है। ठीक है, लॉग x बेस कितना 10, मैं दोनों तरफ 10 बेस पर लॉग ले रहा हूं, तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा लॉग 1000 और बेस कितना 10, दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, अब देखिए log x बेस 10 बहुत बार आ रहा है तो उसको हम t ले लेते हैं, let log x बेस 10 is equal to t, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t square minus 3t plus 1 और बाहर कितना है t है greater than कितना, अब देखिए log 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहाँ पे log m to the power n कितना होगा, n log m हो जाएगा मतलब 3, log 10 बेस 10 कितना होता है 1 होता है, मतलब कुल मिला के कितना बन गया 3 बन गया। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा t स्क्वायर, तो क्या बचेगा t माइनस 3 प्लस 1 कॉमन हो गया, t माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है और दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है जिसमें से एक कंफर्म पॉजिटिव है, इससे कंक्लूजन ये निकलेगा कि दूसरा वाला भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको क्या मिल गया t इज ग्रेटर देन 3 और t किसकी वैल्यू थी log x बेस 10 ग्रेटर देन 3, तो यहां से x ग्रेटर देन 10 की पावर 3 हो जाएगा, इसका मतलब x कितना हो जाएगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1000 का मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, देन ए इनवर्स इज डायगोनलाइजेबल इफ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए थोड़ा सा पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, देखिए किसी मैट्रिक्स का में अगर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 दिया हो तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है ना, उसका डिटर्मिनेंट आइगन वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर आता है, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3, ये कॉन्सेप्ट तो ही है। दूसरा कॉन्सेप्ट, कोई मैट्रिक्स जो है ना, तो इसमें अच्छा इसमें एक और चीज समझ लीजिए कि अगर इसमें से एक भी आइगन वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी जो है वो इन्वर्टिबल तब होती है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी इन्वर्टिबल तब होती है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो नॉन जीरो, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स का डेफिनेशन होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ अगर ए जीरो हो गया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि ए इनवर्स, अगर ए इनवर्स की बात पहले हम देखें तो सही कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आइए समझते हैं। अगर मैं लैम्डा 1 0 ले लूं, लैम्डा 2 0 ले लूं, लैम्डा 3 0 ले लूं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तब तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक, डायगोनलाइजेबल की बात बाद में करेंगे, पहले ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी तो डायगोनलाइजेबल होगा ना। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इसमें भी एक जीरो आ गया तो ये तो इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ये आइगन वैल्यूज हैं किसकी ए की, इसका इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी यही बात है, इसका इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा,
यही एक ऑप्शन बचता ही है, यही मैट्रिक्स जो हमारी है वो क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। एक तो थ्योरम ये है, दूसरा ये है कि अगर ए हमारा जो है डायगोनलाइजेबल है तो ए इनवर्स क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है। ठीक है, अगर ए हमारा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है और अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो भी क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। ये भी थ्योरम आपको ध्यान में रखना है, इफ ए इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट देन डेफिनेटली ए इनवर्स विल आल्सो बी डायगोनलाइजेबल। लेकिन ए इनवर्स एग्जिस्ट इन सारे केसेस में ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए डायगोनलाइजेबल की कोई बात ही नहीं है। इसी केस में जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो निश्चित रूप से ए इनवर्स भी हमारा क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन। ठीक है, तो बस छोटा छोटा थ्योरम आपको जानना है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन, इफ ए इज एनी इंटीजर एंड a³ = a³ = x मॉडुलो 9 देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर व्हाट। ठीक है, अगर ए हमारा कोई इंटीजर है तो समझते हैं पहले ए को इंटीजर, मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, तो 1³ = 1³ = 9। इसका कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, जो भी यहां पे नंबर आता है जैसे 1 का क्यूब कितना है 1, 1 को 9 से डिवाइड करना है, तो 1 तो 9 से छोटा ही है इसलिए यहां पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अगर हम दूसरा इंटीजर ए की वैल्यू ले लें, दूसरा इंटीजर ले लें 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना था 8, अभी भी इससे छोटा ही है तो लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, जब इससे बड़ा होगा तो मैं बताऊंगा। तीसरा नंबर ले लेता है मैं ए ले लेता हूं 3 लेता हूं, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा कांग्रुएंट, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। अब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही यहां पे लिखा जाता है, तो 9 3 जा कितना होगा 27, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यहां पे क्या लिखना है 0 3 क्यूब इज कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 9। ठीक है, चौथा इंटीजर ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64, 64 का आपने 9 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 97 जा 63, 97 जा कितना होगा 63, 1 बचेगा। ठीक है, तो याद आएगा 1 4 क्यूब इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 9 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 5 क्यूब ले लेंगे तो वो आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 मॉडुलो 9 आ जाएगा। ठीक, ऐसे 6 क्यूब ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 मॉडुलो 9 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी इंटीजर का अगर हम क्यूब करें तो यहाँ पे जो नंबर बचता है ना वो नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 8 और 0 1 8 और 0 1 8 और 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 8 और 0 का मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिर्फ इसमें आपको कांग्रुएंट मॉडुलो m की डेफिनेशन जाननी थी कि कांग्रुएंट मॉडुलो m क्या होता है। जो अगर नंबर यहाँ इसका अगर क्यूब जो है अगर 9 से कम आता रहेगा तो एडिटिव लिख देना, 9 से ज्यादा होगा तो 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर होगा उसको लिखा जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 बी एनी रियल नंबर देन x³ + 1 > x² + x² + x इफ कौन सा होल्ड करेगा। तो बस सिंपल सी इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व कर देना है आपको, तो x³ + 1 > x² + x लेफ्ट में ले आइए तो x³ - x² ठीक है -x + 1 > 0 इसमें से आप कॉमन कर लीजिए x² तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x-1 बचेगा, -1 कॉमन कर लिया तो x-1 > 0 एक ब्रैकेट में x² - 1 दूसरे ब्रैकेट में x-1 > 0। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको x-1 x + 1 लिखेंगे तो x-1 दो बार आ गया और फिर क्या x + 1 > 0 आ गया। अब इसमें कंडीशन दे रखी है x 1 के बराबर नहीं है, x अगर 1 के बराबर नहीं है मतलब ये 0 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है जिसमें से एक ऑलरेडी पॉजिटिव है, जिसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि दूसरा भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आ रहा है जिसमें से पहला वाला कंफर्म पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से दूसरे वाले को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब x+1 > 0 इसका मतलब x > -1 इसका सोल्यूशन क्या होगा, x > -1 इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही समाप्त कर रहे हैं, आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।